से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम फ्लाइंग ने कॉल सेंटर पर छापा मारा है। सोनीपत से बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग ने कॉल सेंटर पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग ने तीन आरोपियों को किया काबू। दो दिल्ली के और एक पीपली खेड़ा का निवासी है। कुछ लैपटॉप और कई डिवाइस भी कब्जे में लिए गए हैं। लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। आपको बता दें सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर पर छापा मारा है और इस छापेमार कार्रवाई में तीन आरोपियों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू किया है। दो दिल्ली के हैं और एक पीपली खेड़ा का निवासी बताया जा रहा है, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। कुछ लैपटॉप और कई डिवाइस भी इनके कब्जे से पुलिस ने लिए हैं। अवैध रूप से ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, लोगों के साथ ये ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। इन तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है सोनीपत में, जिनमें से दो दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दिनों कई लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ इसी तरीके के लोग ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते हैं और लोगों के साथ लूट को अंजाम देते हैं। पुलिस ने ऐसे ही तीन लोगों को पकड़ा है सोनीपत में, जो ऑनलाइन ठगी किया करते थे लोगों के साथ। सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, कॉल सेंटर पर छापा मारा है सीएम फ्लाइंग की टीम ने, तीन आरोपियों को काबू किया गया। और दो दिल्ली के और एक पीपली खेड़ा का आरोपी बताया जा रहा है। कुछ लैपटॉप और कई डिवाइस भी इनके साथ इनके पास से बरामद हुई हैं। लोगों के साथ ये लोग ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस ऑनलाइन ठग गिरोह का फांडा फोड़ते हुए इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लैपटॉप और कई डिवाइस भी इनके कब्जे में, लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। इस खबर पर हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम, बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की और इन तीन लोगों को जो गिरफ्तार किया है, किस तरीके से ये लोग ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते थे? देखिए, मामला जो है कुंडली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पर जो सूचना है सीएम फ्लाइंग को पहले से मिली हुई थी और इसी के तहत यहाँ पर रेड की गई है और कॉल सेंटर यहाँ बाकायदा चल रहा था, जहाँ पर तीन आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें दो दिल्ली के आरोपी हैं तो दूसरा एक सोनीपत के अंतर्गत जो है पिपली खेड़ा गांव है वहां के नजदीक का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा अगर बात करें तो यहां ऑनलाइन जो लोगों को शिकार बनाया जाता था, ये पूरा कॉल सेंटर चल रहा था, जहां मौके पर सीएम फ्लाइंग ने छापामारी करते हुए लैपटॉप डिवाइस समेत कई चीजें जो है वो बरामद कर ली है। फिलहाल जो है पूरे मामले में कुंडली थाना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी और इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे थे और सोनीपत में भी काफी लोगों के साथ इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामले चल रहे थे, इसी के मद्देनजर यहां पर जो है सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी और यहां पर रेड की गई है। उसके बाद जो है अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम, तमाम जानकारी के लिए। सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई सोनीपत में, तीन आरोपियों को ऑनलाइन ठगी के मामले में किया गया गिरफ्तार। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी। लगातार राहुल गांधी कोरोना में सेकेंड वेव में जिस तरीके से देश में हाहाकार मचाव से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं और अब आज 11 बजे जब राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को जमकर घेरेंगे भी और कोरोना को लेकर राहुल गांधी श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं। आज 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविड के दौर में
लोगों की इतनी जाने गई हैं कोविड के दौर में, लोग ऑक्सीजन के लिए जिस तरीके से परेशान हुए हैं, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार पर हमलावर रहे हैं और अब आज इसी मसले को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।